हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रशांति गोपाल्स किचन। आज मैं आपके साथ ढाबा स्टाइल एक तड़का रेसिपी शेयर करूंगी। अगर मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए जल्दी से आज की रेसिपी देख लेते हैं। एक तड़का बनाने के लिए मैंने मिक्स तड़का दाल 200 ग्राम लिया है। उसे मैं धोकर 1 आवर के लिए सोक कर दूंगी। देखिए, मैंने तड़का दाल को सोक कर दिया था। अब मैं सोक किया हुआ दाल को कुकर में ऐड कर लूँगी। उसमें एक प्याज को काट के और 5 लहसुन के कलियों को कूट के डाल दूँगी। एक छोटा चम्मच नमक को भी ऐड कर लिया। 2 से 3 सीटी आने तक कुक करूँगी। कढ़ाई गरम करके उसमें एक बड़ा चम्मच तेल ऐड करें। जीरा को ऐड कर लिया मैंने। फिर उसमें 1/2 टेबल स्पून चॉप जिंजर, गार्लिक और चॉप्ड ग्रीन चिल्ली को भी ऐड करेंगे। बाकी आधा जिंजर गार्लिक को बाद में यूज़ करेंगे। इन सब को डाल के फ्राई करना है रॉ स्मेल जाने तक। फिर उसमें जाएगा हमारा चॉप किया हुआ ऑनियन। यहाँ पे मैं 2 मीडियम साइज के प्याज को ऐसे चॉप कर लिया। ऑनियन थोड़ा कलर चेंज होने के बाद 2 मीडियम साइज के टमाटर को ऐसे चॉप करके डाल दूँगी। टमाटर को थोड़ा मिला के 1 टीस्पून टर्मरिक और स्वाद के अनुसार नमक को भी ऐड कर लिया है। फिर एक कैप्सिकम के स्लाइसेस को ऐड करके कवर करके थोड़ा देर कुक करूँगी लो टू मीडियम फ्लेम में। टमाटर और कैप्सिकम थोड़ा सॉफ्ट होने के बाद कुक किया हुआ मिक्स तड़का दाल को भी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर 1 टीस्पून जितना कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर को भी ऐड करेंगे तड़का में अच्छा कलर आने के लिए। मिक्स दाल को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। उसमें जाएगा 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला। गरम मसाला को मिक्स करके फिर से कवर करके लो टू मीडियम फ्लेम में कुक करेंगे 5 मिनट के लिए। पाँच मिनट के बाद हमारा प्लेन मिक्स तड़का दाल रेडी हो चुकी है। इसका आधा क्वांटिटी ही मैं एक तड़का दाल बनाऊंगी। इसे साइड में रख के एक पैन मैंने गैस पर चढ़ा दिया है। उसमें मैं एक भुजिया बनाऊंगी एक तड़का के लिए। पैन में 2 चम्मच तेल को ऐड कर लिया मैंने। तेल गर्म होने के बाद उसमें पहले से रखा हुआ आधा जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली और ऑनियन को भी ऐड कर दिया। सबका थोड़ा रॉ स्मेल जाने के बाद गैस को लो करके 3 अंडे को मैं फोड़ के डाल दूंगी। गैस को हाई करके अंडे को अच्छे से क्रम्बल करना है। उसमें स्वाद अनुसार नमक और टर्मेरिक को भी ऐड करें। अच्छे से मिक्स करेंगे। एग्स पूरी तरह क्रम्बल होने के बाद उसमें आधा क्वांटिटी मिक्स दाल तड़का ऐड कर दें। अच्छे से मिला के थोड़ा कुक करेंगे। उसके बाद 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी को भी थोड़ा क्रश करके डाल दें। से हमारा एक तड़का पूरा ढाबा स्टाइल बन गया है।
और 2 मिनट कुक करेंगे फिर से। अब हमारा एक तड़का रेडी है रोटी या नान के साथ सर्व करने के लिए। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी। अगर पसंद आई तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।